420 ओपी जाएंगे। कल हमने सोल वर्सेस टीम एक्सपार्क देखा था, सोल ने वहां पे धराशायी किया था टीम एक्सपार्क को, अब बारी रहेगी टीम एक्सपार्क की। वहां पे भी एक्सपार्क के पास एडवांटेज था और यहां पे भी एक्सपार्क के पास एडवांटेज है, उनको पता है कि प्लेयर कहां है, नेड काफी अच्छा आया जरूर है, एक और नेड आएगा यहां पे एल्ट्रॉन का और हेक्टर को नॉक करा जाएगा। बट हेक्टर का जो नेड गया, क्या वो किसी को डैमेज देगा? डैमेज तो दिया, 420 ओपी यहां पे काफी ज्यादा डैमेज खा चुके हैं, बट एल्ट्रॉन पुश करते आपको नजर आ जाएंगे। सोल के बाकी प्लेयर्स कहां है मैं ये भी जानना चाहूंगा, बट एल्ट्रॉन काफी ज्यादा एडवांटेज में जाने की कोशिश कर रहे थे, काफी ज्यादा अग्रेसिव कर गए, अकेले जाना गलती साबित हुई। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे कि वो मार्कर लगा रहे हैं और यहाँ पे अगर नेड आता तो ओमेगा भी खत्म हो सकते थे। मैं देखना चाहूंगा कि नेड वहाँ पे आएगा, सोल के बाकी प्लेयर्स बैक स्टैब करते आपको नजर आ जाएंगे। टीम एक्सपार्क बैकफुट पे, जो कल हुआ था वो आज रिपीट होता आपको नजर आ रहा है। अभी के लिए तो सही, बट गाड़ी पलटते नजर आएगी, प्लेयर्स को अंदाजा तक नहीं है, गाड़ी की आवाज नहीं आ रही मेरे ख्याल से, बट व्हाट, दो प्लेयर्स को यहाँ पे नॉक करा जाता है। टीम सोल सडनली बैकफुट पे, स्काउट विंटेज अवतार लेते आपको नजर आ जाएंगे। स्काउट एचपी उनके बहुत ज्यादा कम है, अपने आपको वो हील करेंगे, मोस्ट ऑफली हीलिंग उनकी डन हो चुके, बड़े एक्टर सामने मौजूद रहेंगे, ड्रॉप शॉट देने की कोशिश और गलती कर दी। स्काउट क्या यहाँ पे 1v4 करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं, तीन प्लेयर उन्होंने डाउन किए, सोल का एक लौता आखिरी प्लेयर बचा रहेगा, बट एक और टीम आती हुई ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स इस वक्त थर्ड पार्टी करते हुए दिखाई देगी। लास्ट प्लेयर ओमेगा सर्वाइव करेंगे अपनी टीम से, टीम एक्सपार्क का भी यहाँ पे हमें एलिमिनेशन देखने को मिलता हुआ, 16वें स्थान पे मात्र केवल 2 फिनिशर, बट ओमेगा अभी तक वो सर्वाइव कर रहे हैं वहां पे।